हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, अभी तक आप लोगों ने सीखा कि हमने किस तरीके से रिड्यूसर बनाया, किस तरीके से हमने स्टेट बनाए, फिर हमने एक्शन टाइप्स डिफरेंट फाइल में बनाए, फिर हमने एक्शंस के लिए डिफरेंट फाइल बनाई, टास्क ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है। एंड रिड्यूसर में भी करंट स्टेट और एक्शन के बेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आप सारी फाइल क्लोज करके आपको एक फाइल दिखाता हूँ, इंडेक्स वाली। यहाँ पर देखो हमने क्या करा, पहले हमने गेट स्टेट करी, ठीक है। ईच टाइम हम क्या कर रहे हैं, हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने ये सारे एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमने दोबारा से स्टेट गेट करी और फिर हमें मिल रही है अपडेटेड स्टेट। बट क्या हम हर बारी गेट स्टेट करेंगे क्या स्टेट को गेट करने के लिए? नहीं। सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम जब भी एक स्टेट चेंज हो। मीन्स हम चाहते हैं कि हमें एक नोटिफिकेशन मिले हमारी ऐप को, ठीक है, और हमें हर टाइम वो नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे जैसे हमारे स्टोर में कोई भी हमारी स्टेट अपडेट हो रही है, ठीक है। और उसी के बेस पे गाइज हम अपने डोम मैनिपुलेशन करते हैं। मींस जैसे ही हमारा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है टास्क 1 2 3 4 5, और जैसे ही मैंने ऐड करा वो तुरंत हमारे यूआई में रिफ्लेक्ट हो जाए और टास्क 5 ऐड हो जाए, ठीक है। या मैंने रिमूव करा तो तुरंत हमारे यूआई में, हमारे फ्रंट पार्ट में वो रिमूव हो जाए और हमें मतलब नोटिफिकेशन मिल जाए कि ओके ये रिमूव हुआ है और हम तुरंत उसको नोटिफाई कर सकें। यूआई में डोम मैनिपुलेशन करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है अपने स्टोर को, तो वो हम कैसे करते हैं देखो। और मैं बेसिकली क्या करता हूँ, स्टोर डॉट एक फंक्शन होता है सब्सक्राइब, ठीक है, स्टोर डॉट सब्सक्राइब, और ये बेसिकली एक फंक्शन रिटर्न करेगा सपोज। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और लिखता हूँ स्टेट चेंज। तो आप देखना कितनी बार स्टेट चेंज आया, 1 2 3 4, ठीक है, चार बारी क्यों आया। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, चार बारी हमारे पास क्यों आया देखो। मैं यहाँ पर करता हूँ स्टेट चेंज, ओके, यहाँ पर कॉमा एंड फिर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कितनी बार हमारी स्टेट चेंज हुई। पहले हमारी स्टेट आई जिसके अंदर हमारे पास स्लीपिंग ऐड हुआ, ठीक है, ये देखो स्लीपिंग ऐड हुआ। फिर उसके बाद दूसरी बार स्टेट चेंज हुई तो बुक रीडिंग ऐड हुआ। तीसरी बार स्टेट चेंज हुआ तो हमारे पास गोइंग टू जिम हुआ, ये देखो। एंड चौथी बार स्टेट चेंज हुई तो हमारे पास एक रिमूव हुआ। तो मींस अब बेसिकली हमने सब्सक्राइब कर दिया है अपने स्टोर के साथ, सब्सक्रिप्शन हो गया हमारे स्टोर के साथ कि मींस एवरी टाइम द स्टेट चेंज वी वांट टू गेट नोटिफाइड, राइट, ठीक है। हमें नोटिफिकेशन चाहिए कि क्या क्या स्टेट में चेंज हुए हैं और हर टाइम हमें वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेकिन गाइज हमें क्या करना होता है कि देखो मल्टीपल कंपोनेंट है, ठीक है, और अगर हम इसको नोटिफाई कर देंगे तो इससे एक प्रॉब्लम भी होती है मेमोरी लीक की, क्योंकि ये हर कंपोनेंट में फिर ये रन होता रहेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जब हमें इसकी नीड नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ अन सब्सक्राइब, ठीक है, अनसब्सक्राइब। और मैंने क्या करा देखो, मैंने करा कि टास्क ऐड हो गया, एक टास्क ऐड हो गया, दो टास्क ऐड हो गया, तीन टास्क ऐड हो गए एंड फिर रिमूव हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा एक टास्क हो उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते नोटिफिकेशन, तो मैंने सिंपली अनसब्सक्राइब कर दिया। तो आप देखोगे मुझे सिर्फ एक बारी मिलेगा, देखो स्टेट मिली एक बारी और उसके बाद हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली नीचे जो भी हुआ, ठीक है, नीचे जो भी हुआ उसका हमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। भले ही हमें स्टेट में अपडेशन हो रही है लेकिन हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और या फिर बेसिकली अगर मैं इसको और नीचे कर देता तो आप देखोगे तीन बारी टास्क ऐड होंगे एंड रिमूव वाला हमें नहीं दिखेगा, देखो तीन बारी ऐड हुए रिमूव वाला नहीं दिखा, ठीक है। और अगर मैं दो बारी में करूँ तो दो टास्क ऐड होंगे, थर्ड वाले का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, फोर्थ वाले का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, जबकि सारे एक्शन परफॉर्म भी हुए होंगे। आप देखोगे तो एक रिमूव भी हुआ होगा, देखो सेकंड नंबर का, ठीक है, स्लीपिंग वाला। तो ये है गाइस सब्सक्राइब मेथड के बारे में मैंने बताया आपको रिडक्स के, कि सब्सक्राइब मेथड क्या है और कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो गाइस ये तो था बेसिक ऑफ रिडक्स, ठीक है, जितना आपने सीखा ये बेसिक था रिडक्स का। और आगे से गाइज हम सीखेंगे कि स्क्रैच से हम कैसे रिडक्स को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।